पाक नबी ने फरमाया, हजरत जिबरील ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस शख्स नूं बुढ़ापे विच अम्मा लभे या बाबा लभे या दोनों मिलन और वो उन्हां दी खिदमत ना कर सके, वह बंदा भी जलील खुआर हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। हजूर ने फरमाया आमीन। इहदा मतलब है कि माँ बाप का अदब जरूरी है, माँ बाप का हया जरूरी है, माँ बाप का ख्याल जरूरी है। जिहड़ा नहीं करता उन्हूं बददुआ है। दुआ कहने मंगी जिबरील ने, आमीन साईं ने फरमाई, तेरे मेरे आका ने। हुण आप सोच लो कि जिहड़ा बंदा माँ बाप का गुस्ताख है, बेअदब है, उहदे वास्ते दुआ कौन फरमा रहा? ज़हरा का बाबा दुआ कर रहा है, दुआ दी जा रही है। इस वास्ते माँ बाप की खिदमत करो। हजरत जिबरील कहते ने सुने वो भी बर्बाद हो जाए। हजूर ने फरमाया आमीन। तीसरी गल नबी पाक ने फरमाया, जिहदे सामने मेरा ना आवे, ओ पाजी मैनू तको, इधर मैनू तको। हजूर ने फरमाया जिहदे सामने मेरा ना आवे सरकारे मदीना दा, और वो बंदा हजूर की जात ते दरूद ना पढ़ सके, वह बंदा भी जलीलो खुआर हो जाए। अल्लाह ताला की पाक वरगी दुआ है, बेनियाज सानू इन दुआवां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हर परेशानी दूर हो जाती है, अल्लाह की कसम उठा के कहना। इस वास्ते कि जो कोई टेंशन है, इस नीयत नाल बैठो, या अल्लाह मेरी अज की रात सारिया टेंशन दूर कर दे, मेरिया परेशानियां दूर कर दे। हवाला नबी पाक के जिक्र दा। लो जी, मैं आगाज करन लगा, कारी शाहिद सही साहब दामन बरकात कुर्सिया उन्होंने मुल्तमिस हो रहे हैं, तो तशरीफ लियांगे और उन्होंने पाक कुरान के नाल साढ़े दिनों मुनव्वर मुअत्तर मुअब्बर फरमान। हज़रत उस्मान गनी तिलावत फरमाते सन, हवा के उड़न वाले परिंदे रुक जाया करते सन, इंज दा। और मौला अली दा सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मौला अली का कुरान पाक पढ़ना इंज दा सी कि बिस्मिल्लाह की बात तो आगाज करते सन, तो घोड़े की रकाब पहला कदम, तो दूसरा कदम घोड़े की रकाब के बाद जाता सी। इस तो पहले पूरे कुरान की तिलावत करने वाले मौला अली कहते हैं। सहाबा पाक तो तरदे अमल अपनाइए, असी सहाबा पाक के नौकर हाँ। एक साहबी की भी असी तकरीर कर लीए, उन्होंने जिंदगी से अमल कर लीए, तो साड़ी जिंदगी संवर जाए। सवा लख साहबा ने मेरे नबी पाक दे, सवा लख साहबा अपनी जिंदगी का रहनुमा बना लो, अपना पेशवा बना लो, जिंदगी कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बच्चों का खेल नहीं है, बच्चे जोड़े ने उन्होंने तवज्जो जगह होती है, सियाने बोलेंगे। हम कारी साहब जो कुरान पाक पढ़ने तो इंज दाद दिया जाए कि मैं पता लग जाए पिछले साल वाले बाट मोहब्बत मैं याद है। ठीक है जनाब, मैं अब्दुल्ला भाई जो मुसलसल रब चले, बाकी मैं सारी टीम के नाम नहीं जानता, लेकिन यकीन करो कल सारा दिन जितना जवाना परेशान रहा, एक ही रहा मैं भी हो गया। मैं परसों रात दो लाहौर प्रोग्राम पढ़े, कल मैं दिन लाहौर दिन का प्रोग्राम, फिर मेरा इरादा से भी चलो लाहौर तो लैके सरगोधे तक सुता जावगा सियाल शरीफ तक, लेकिन इन्होंने सोने मैंने सुन नहीं दिता कि जनाब साढ़े खतीब का मैं प्रॉब्लम बढ़ गया है, हम सबको बंदा बंदोबस्त करो। वो तो अल्लाह का शुक्र है जिन्हें दे फैदाने नज़र रखिया जे, उ बाबा जमालुद्दीन बगदादी तुहाडे कोल आ रहे ने। बस ये होती है बंदे की नीयत के डिपेंड सारी मोहब्बत। हम एक सोना जिहा नारा लाओ, नाराज भी नहीं होना, नकीर का काम है चंगा बना के प्लेट पेश कर देना सुहाना है। बस मेहरबानी करनी है कारी साहब, तो पहले एक नारा चक साला यार, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इन थोड़े जो उत्ते थले कर लो, ये कहना लोहे का बनया ये आवाज नहीं निकल सकती, इन दो दो मुंह से चढ़ा लो आवाज फिर भी निकल आनी। मैं वेख लिया नारे तकबीर, तो बोलो जरा यार नारे तकबीर, नारे रिसालत इतने रख के, नारे रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके, नारे रिसालत, नारे तहकीक हक चार यार, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रोशिया अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा गुदाफरी, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, जनाबे जबरील चुक के इस महफिल में शामिल आ जाता है, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ चाह के बोला।
چک کے بولے ہم کسی کا محتاج نہ رکھے لبیک 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 یا رسول اللہ ایک نعرہ ہو ہر صحابی اے نبی جنتی جن ہر صحابی اے نبی کربلا صلی اللہ علیہ وسلم